तो कैसे हो यार गाइस आप लोग। आज है 16 सितंबर और 2024 और आज मैं हूँ यहाँ पे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन के बारे में। और जब भी ये मैन्युफैक्चर हुआ था इसका नाम था IBM साइमन। और IBM साइमन जो कि नवंबर 23, 1992 में पब्लिकली शो किया गया था कि ये बना गया है टच स्क्रीन वाला मोबाइल। और ये कॉमडेक्स कन्वेंशन में पहली बार लास वेगास में इंट्रोड्यूस जो कि है किया गया है कॉमडेक्स कन्वेंशन यानी कि एक एग्जीबिशन में। और ये अगस्त 16, 1994 तक परचेज के लिए अवेलेबल नहीं था। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसको बनाया है मित्सुबिशी नाम की कंपनी है जो कि जापान की है। और इसमें जो डिस्प्ले यूज किया गया था वो LCD डिस्प्ले है। और इसमें काफी सारे फीचर्स भी दिए गए थे लाइक डायल नंबर कर सकते हो टच स्क्रीन की मदद से और ईमेल मैसेजेस छोटे मोटे गेम्स कैलेंडर क्लॉक वगैरह वगैरह ऐसे ही ऐप्स दिए गए थे। और ये जब 1994 में मार्केट में आया था तो जो इसकी पूरी सेल है वो 50,000 थी और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। और इसका मेन रीजन है इसका प्राइस। इसका प्राइस था $1,100 और इसकी बैटरी जो कि है कुछ घंटों तक ही चल सकती थी लाइक 1 से 2 घंटे तक ही। क्या आप लोग सोच सकते हो कि 1992 में जापान ने हमें इंट्रोड्यूस किया था यानी कि पब्लिकली अवेलेबल किया था कि हाँ हमने ये फोन बनाया है टच स्क्रीन वाला और तब तक पब्लिक में से किसी को भी पता नहीं था। तो आप इसका मतलब सोच सकते हो कि जापान ने उसको बहुत पहले ही बना चुके थे और पब्लिकली जो कि है बाद में अवेलेबल दिखाया गया कि हाँ हमने ये बनाया है। तो वो कभी भी बना के रख सकते थे लाइक 1980 में भी वो लोग बना के रख सकते थे। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए मुझे क्या लगता है कि जापान में जो कि है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो कि है रहते हैं। और बाद में मुझे पता चला कि हाँ यही सच है। और जो सबसे पहला कैमरा फोन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी जापानीज कंपनी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि 1999 में पहली बार बनाया गया था। और इन सब के अलावा भी जापान ने काफी ज्यादा फर्स्ट प्रोडक्ट्स बनाई थी लाइक कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है पहली बार काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो कि इंट्रोड्यूस किया था जापान ने। और इसी से इंस्पायर होकर आजकल हम जो मोबाइल देखते हैं वो उसी से इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहा है अभी तक। और यार गाइस मैं इस बात को छोड़कर नेक्स्ट बात पे आऊँ लाइक गोस्ट पे ठीक है। तो काफी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि गोस्ट सच में होते भी हैं या तो नहीं होते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं होते हैं और कुछ लोग बोलते हैं हाँ होते हैं और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। और इनमें से क्या माने या तो क्या नहीं हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पता है क्या है, जब एक आदमी या तो कोई भी जानवर मरता है उसकी आत्मा निकल के गोस्ट बनता है यही है ना कहानी। तो असल में आप लोग सोच कर देखो क्या ऐसा पॉसिबल है, किसी ने आज तक मरने के बाद पता चला है कि उसका क्या हुआ है या तो वो फिर से बोलता है मरने के बाद? नहीं ना। क्या किसी ने भी आज तक जो कि रियल गोस्ट को देखा है या तो सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही हमें देखने को मिलता है या तो कोई बोलता है कि हाँ हमने देखा है एक्सपीरियंस किया है यही हम लोग को देखने को मिलता है ना। पहली बात तो मरने के बाद क्या होता है ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है और जो भी बता रहे हैं वो सुनाई सुनाई बातें हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और काफी ज्यादा यार भूत के नाम से ही काफी लोगों की फट जाती है। मतलब मैं बताऊँ तो मैं खुद की भी यार भूत की बताऊँ तो मेरे खुद पे भी डर लगता है जबकि मुझे पता है कि गोस्ट कैसे हो सकते हैं। और काफी ज्यादा जमानों से रिसर्च करते हुए आ रहे हैं साइंटिस्ट वगैरह और इसका कोई भी प्रूफ अभी तक कुछ भी नहीं मिला है कि गोस्ट जो कि एग्जिस्ट करते हैं। तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं कि गोस्ट होते हैं या तो नहीं होते हैं ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही रहने के लिए मैं छोड़ दूंगा क्योंकि साइंटिफिकली तो कोई भी प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है और कोई बोलता है कि है और कोई बोलता है कि नहीं है। रियलिटी में भी देखा जाए तो मरने के बाद कोई आत्मा कैसे रह सकती है या तो मरने के बाद क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा डर है जो हमारे अंदर क्रिएट किया गया है। तो जो भी आप लोगों को डराने की कहानियां वगैरह आती है भूत वगैरह ये वगैरह की वो लोग हो सकता है कि इंसान ही कुछ कहानियां बना के डरा रहे हो या तो इंसान ही भूत बन के डरा रहे हो ऐसा भी हो सकता है।
अब देखो यार, एक प्रूफ ये भी है, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे मेरे साथ और कोई भी नहीं है, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो। आप लोगों को मेरे पीछे कुछ दिख रहा है क्या? चलो मैं ही देख लेता हूँ, कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो अगर कुछ भूत वगैरह होता तो मैं यहाँ पे कैसे रहता यार? मैं अभी घर वगैरह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, ठीक है, जंगलों में, और मैं बिल्कुल यहाँ पे अकेला हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही अकेले कहीं पे चले जाओ, ठीक है। तो यही है यार, भूत तो नहीं होते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो कि डर है हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। लाइक मैं अपना ही बता देता हूँ, मुझे खुद डर लगता है कभी कभार अकेले रहने में, कहीं दूर रहने में। लाइक मुझे पता है कि कोस्ट वगैरह होते नहीं है, लेकिन फिर भी डर लगता है कोई भूत ना आ जाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा लगता है यार, क्या पता अब तक साइंस नहीं ढूंढा हो कहीं पे हो भूत, ऐसा भी लगता है यार, क्या पता। तो अगर हम लोग एविडेंस के हिसाब से देखिए, रिसर्च के हिसाब से देखिए, सभी साइंटिफिकली देखिए, सब कुछ क्लियर करके देखिए, लोग गोस्ट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनसे भी ऊपर कुछ हुआ जो कि हमने कभी अब तक पकड़ा ही नहीं है किसको, तो क्या पता गोस्ट होते भी हो जो कि हमें अब तक कुछ पता ही ना चला हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं तो इसको एक क्वेश्चन मार्क ही लगा के छोड़ूंगा अभी तक तो। और इसके बाद जो कि बोलना चाहूँगा, गोस्ट बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर सब कुछ कर देना। तो हम मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।